अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ उसामा मजीद टुडे माय लेक्चर इज़ फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई टू द लोवस्ट फॉर्म और सिंपलीफाई करना लोवैस्ट फॉर्म में क्वेश्चन टेन है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस एट ओवर एक्स स्क्र माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क् प्लस सिक्स एक्स प्लस एट ओवर एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन अब स्टूडेंट्स एक्स क्यू माइनस एट है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स का क्यूब माइनस टू का क्यूब स्टूडेंट्स एट होता है तो ये आ जाएगा टू का क्यूब और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क् माइनस फोर है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स का स्क्र माइनस टू का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस एट ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं प्लस करने से प्लस का सिक्स एक्स आए मल्टीप्लाई करें तो प्लस का एट आए तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क् प्लस का फोर एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का एट प्लस करेंगे तो प्लस का सिक्स एक्स आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एट आएगा और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वेयर माइनस टू फॉर्मूले का एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वेयर अब स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी यहां पे एक्स का क्यूब माइनस टू का क्यूब है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस टू इन टू ए स्क्वेयर ए इसमें एक्स है एक्स का स्क्वेयर प्लस ए बी ए इसमें एक्स और बी इसमें टू है स्टूडेंट्स प्लस बी का स्क्वेयर बी इसमें टू है तो टू का स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स नीचे ए स्क्र माइनस बी स्केयर है एक्स का स्केयर माइनस टू का स्केयर तो इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस टू और एक दफा इसको लिखेंगे प्लस में एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स एक्स स्क् प्लस फोर एक्स में से स्टूडेंट्स एक्स कॉमन इंटू एक्स प्लस फोर प्लस टू एक्स प्लस एट में से प्लस टू कॉमन इंटू एक्स प्लस टू फोर जार एट और नीचे स्टूडेंट्स एक्स का स्केयर माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्केयर तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट बन जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर वो कंप्लीट ए माइनस बी होल का स्केयर बनता है तो स्टूडेंट्स एक्स का स्केयर माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्केयर ये बन गया कंप्लीट एक्स माइनस वन का स्क्वेयर अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें से हमारे पास ऊपर भी एक्स माइनस टू है और नीचे भी एक्स माइनस टू है ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा जो ब्रैकेट में है क्र ब्रैकेट में स्टूडेंट्स एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस टू का स्केल लेंगे तो फोर आ जाएगा ये बच जाएगा ऊपर से प्लस टू एक्स प्लस प्लस टू एक्स प्लस फोर और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू मल्टीप्लाय बाय स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स जो एक्स प्लस फोर कॉमन टर्म आ रही है वो स्टार्ट में आ जाएगी और जो टू टर्म्स बच गई हैं एक्स प्लस टू उसको सेकेंड ब्रैकेट में राइट करेंगे और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन होल का स्क्वेयर अब स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू सेकेंड फ्रैक्शन के ऊपर है न्यूमिरेटर में है और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस फोर जो सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर है वो स्टार्ट में आ जाएगा एक्स प्लस फोर और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर उसको सेकेंड ब्रैकेट में राइट करेंगे एक्स स्क्र प्लस का टू एक्स प्लस का फोर और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स नीचे से हमारे पास एक्स माइनस वन का स्केयर बचा है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वेयर तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है students today your question number 10 of exercise 6.2 have been completed. If you have any problem in this question of exercise 6.2 then you will comment me Allah Hafiz.